और समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, और भगवान ने मोहिनी रूप बनाकर उससे पहले जब विष निकला, पहले कच्छप अवतार भगवान का होता है, विष निकला तो भगवान महादेव ने वो विष पिया, महादेव का नीलकंठ नाम हुआ। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, राहु का सिरा छेदन कर दिया, फिर देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम के अंदर देवता विजय हो गए, राजा बलि को मारा, लेकिन गुरु शुक्राचार्य उसे मृत संजीवनी से वापस जिंदा कर दिया, मृत संजीवनी से वापस जिंदा कर दिया। सभी भृगुवंश से ब्राह्मणों को इकट्ठा किया राजा बलि ने, फिर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, और यज्ञ के प्रभाव से पुनः स्वर्ग पर साम्राज्य प्राप्त कर लिया राजा ने, पुनः स्वर्ग पर साम्राज्य कर लिया। अब देवता इधर उधर घूमने लगे, तो एक बार अदिति ने अपने स्वामी कश्यप ऋषि से कहा, हे देव, मेरे पुत्र इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी रक्षा करो, उनकी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, सुनो देवी, एक काम करो, तुम पयोव्रत व्रत करो। भागवत में पयोव्रत व्रत का बहुत बड़ा उपदेश बताया गया है, ये फाल्गुन में 12 दिन तक किया जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से आपके घर में पुत्र की प्राप्ति, घर में श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। तो पयोव्रत नामक व्रत का उपदेश दिया, और अदिति ने पयोव्रत नामक व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से भगवान वामन मां के गर्भ में आ गए। और कथा कहती, समय आने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के ठीक 12 बजे भगवान वामन इस भूतरा पर अवतार लिया। बोले वामन भगवान की जय। और वामन भगवान ने कमंडलू लिया और सीधा राजा बलि के द्वार पर, सीधा बलि के द्वार पर राजा बलि ने प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता, आपको प्रणाम करता हूं, चरण धोए प्रणाम किया, और का मांग लो, मांगो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा, मैं कुछ मांगने तो नहीं, इच्छा तो नहीं कुछ मांगने की। अरे मांग लो। और कहा, मांग देना हो तो एक काम करो, हे राजा, तुम तो बड़े सम्राट हो, 3 पैर भूमि दे दो। 3 पैर भूमि मांगी तो राजा बड़ा विचित्र स्थिति में आ गया, 3 पैर भूमि, छोटा सा बच्चा है, ये 3 पैर से क्या है। अरे और बड़ा कुछ मांग ले, इतनी बड़ी जगह पड़ी है, और कुछ मांग ले, तेरी इच्छा मांग ले। कि नहीं नहीं मैं 3 पैर भूमि मांगूंगा। अरे कुछ और मांग ले। कि ना, मुझे 3 पैर भूमि चाहिए, भूमि का दान मांगा है। अगर आपने कोई भूमि दी या भूमि का आपने दान किया, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आज, अगर आपने कोई भूमि दी या भूमि का दान दिया, या भूमि के दान में आपने कोई राशि दी, अगर उस भूमि पर कोई मंदिर बन जाए, पहले लोग मंदिर बनाते थे, अगर उस भूमि पर मंदिर बन जाए, तो यह मान लेना कि आपकी सब पीढ़ियां तर गई, आपके घर में कोई दोष नहीं है। लेकिन मंदिर की सेवा पूजा होनी चाहिए, मंदिर की सेवा पूजा होनी चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर बन गया, आपके द्वारा दी गई भूमि पर मंदिर बन गया, आपके द्वारा दी गई दान राशि से जमीन खरीद कर मंदिर बन गया, तो आप अमर हो गए। अगर आपके द्वारा दी गई भूमि पर, भूमि स्थान पर दी गए दान पे अगर उस दाले बन गया, तो आपका जीवन अमर हो गया। वहां प्याऊ बन गई या गौशाला बन गई या गौ माता का हॉस्पिटल बन गया, मान लेना तुम जन्म जन्मांतर का तुम्हारे भाग्य का उदय हो गया। इतनी बड़ी ताकत होती है भूमि दान में। हाँ, और यह भूमि दान हम अपने लिए तो कभी बोलते ही नहीं है। बाबा श्याम के दरबार खाटू श्याम जी में 5 मंदिर बना रहे हैं, गौ माता का हॉस्पिटल बना रहे हैं, बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र बना रहे हैं जहां हजारों लोग भोजन करेंगे, बहुत बड़ा सत्संग हॉल बना रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि महाराज जी हमें भी भूमिदान करना है बाबा श्याम के दरबार में, तो आप निश्चित भूमिदान करें। 22 तारीख की 11 आ रही है, 11 के निमित्त मेरी तो इच्छा है 108 श्याम प्रेमी अपना नाम लिखाए, 108 श्याम प्रेमी। ये श्याम नाम की जो मेरे पास माला है, इसमें 108 मन के, एक श्याम नाम का मन का ले लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और एक मन के की सेवा 11,000, यानी एक गज भूमि दान, एक गज भूमि दान, एक श्याम नाम का मन का 11 के दिन, एक मन का, 2 मन का, 11 मन का, 21 मन का ले सकते हो, आपका नाम श्याम की चौकड़ पर अमर हो जाएगा। एक मन के की सेवा 11,000।
एक गज भूमिदान 11,000, दो गज भूमिदान 21,000, पांच गज भूमिदान 51,000 और 11 गज भूमिदान 1,11,000। 11 के निमित्त आप एक मन का, दो मन का, पांच मन का, 11 मन का आप ले सकते हो और आपकी मर्जी है भाई रे। क्योंकि भूमिदान, गोदान, गाय का भी दान कर देना, लेकिन सामने से मर्द करना, पीछे से करना गाय का दान। गाय का दान सामने से नहीं होता, कभी पीछे से होता है। गाय का दान कर देना, सोने का हो सके तो कहीं कुछ कर देना, भूमि का दान और तुला दान, अपने बराबर का तुला दान कर देना, अन्न दान कर देना, वस्त्र दान कर देना, हाँ, और जीते जी कथा करवा लेना। जीते जी एक कथा जरूर करवा लेना। स्नातन में आए हो तो एक कथा अपने घर पे करवा लेना, किसी तीर्थ में करवा देना, और फिर भी अगर मन हो तो खाटू श्याम जी आ जाना, श्याम की चौखट पर करवा लेना। यहां जाना, सब द्वार बंद हो जाए तो श्याम का द्वार खुला मिलेगा हर समय। पर ये आपका बेटा हर समय आपके साथ आपको तैयार मिलेगा, जब इच्छा करे आ जाना। आपका बेटा बेटा है, जब इच्छा करे आना, मेरे से जितना बनेगा मैं करूंगा, इतना विश्वास मैं आपको देता हूं बाबा श्याम की चौखट पर, जितना मेरे से बनेगा मैं करूंगा। क्योंकि कथा ही जीवन है, कथा के अलावा कुछ जीवन में है ही नहीं। कथा गाते रहे बस, उसकी याद में, गोविंद की याद में उसको कथा सुनाते रहे। आओ एक संकल्प लाओ, हम सब मिलकर एक कथा तो शाम को सुनाने आएंगे खाटू, या तो अपने नगर में करवाएंगे या अपने शहर में करवाएंगे, शाम तेरी चौखट पर आकर तेरी कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। एक कथा का संकल्प लीजिए, एक कथा हम जरूर करवाएंगे महाराज जी, और तेरे द्वार खड़ा भगवान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले, ओ भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले, ओ भगत भर दे रे झोले। तेरा हो भगवान।
महापुराण की जय। बलि से कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन भूमि मांगी, क्योंकि इस एक बात मैंने गुरुओं से सुनी है, मैंने पढ़ा है, वायु पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो चीज आप यहाँ दान देते हो वो चीज आपको मिलती है, आपके पूर्वजों को मिलती है, जो चीज यहाँ दान देते हो। हाँ, और मैंने इसीलिए तो कहा कि ग्यारस आ रही है, और ग्यारस के निमित्त हम अगर भूमिदान कर देते हैं, गज, दो गज, पांच गज, ग्यारह गज, 22 तारीख को, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा मेरे बहन भाई। जिंदगी का क्या भरोसा है। उजाले अपनी यादों के सदा साथ रहने दो, न जाने किस मोड़ पर जिंदगी की अंतिम शाम हो जाए, क्या भरोसा है इसका। इसलिए जो करो, जो जो मन आए वो करते रहो, करते रहो, करते रहो, कभी थको मत। तो भैया, बहुत सारे भक्तों के मन में विचार बनेगा भूमिदान का, आप जरूर भूमिदान करें। एक कमरे का दान खाटू श्याम जी में कर सकते हो, आनंदम धाम में 5 लाख रुपए की राशि है। ग्यारह के निमित्त 11 ईंट का दान कर दो, 11,000 की राशि है। एक ईंट, दो ईंट, पांच ईंट का दान करना, और संकल्प लिया, अपनी पत्नी से कहा जाओ जल लेके आओ, और जल लाने के लिए गई तो जल कमंडलू से पानी बाहर नहीं आ रहा था, शुक्राचार्य जी अंदर चले गए। एक तिनका लिया, तिनका जैसे अंदर दिया शुक्राचार्य जी का आंग फूट गई, और गुरु नाराज हो गया। जब गुरु नाराज हो जाता है तो मान लो सब कुछ खत्म, और तब शुक्राचार्य जी ने कह दिया अरे अब तू काबिल नहीं है रे। और संकल्प लिया 3 पैर भूमि दूंगा, फिर भी कह दिया अभी भी सोच ले टाइम है तेरा, ये सब कुछ लूट लेगा तो बलि कहता लुटाने का मजा बहुत आएगा। जो दुनिया देने वाला मेरे घर के सामने, मेरे सामने याचक बनकर खड़ा है, तो दुनिया को देने वाला मेरे सामने याचक बनकर खड़े कन्हैया, पूर्ण ब्रह्म याचक बनकर खड़ा है मेरे सामने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। सोचो आप, भगवान याचक बनकर खड़े। और भैया संकल्प कर दिया कि मांगो मैं देता हूं, चलो अब भगवान वामन से विराट होते हुए, अब वामन से विराट होते हुए देखा तो बड़ा चकित रह गए, कैसा भी हो सकता है, 2 पैर में सब कुछ नाप लिया, अब 3रा पैर कहां रखूं। तू कह रहा ना इतना बड़ा साम्राज्य बड़ा मांग ले, 3 पैर में कि मांगो, उनका मैं राजा हूं, मैंने वचन दिया है, एक काम करो 3रा पैर मेरे माथे पे रखो, मेरे सर पे रखो, अपने वचन को पूरा करो। लोग मुकर जाते हैं, लेकिन यहां सीखना चाहिए या तो वचन किसी को देना मत, और देने के बाद कभी मुकर मत जाना। और भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर, धन्य दानवीर तो बहुत हुए, लेकिन तूने अपने आप में, और भगवान का चरण उनके सर पे आ गया, कितनी बड़ी बात है, भगवान के चरण उनके सर पे आ गए। धन्य है वो बलि, धन्य है बलि भाई। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया, और स्वयं द्वारपाल बन गए कि मैं द्वारपाल बन जाऊंगा, तू राजा बन जा। अब भगवान राजा बन गए, बलि राजा बन गया, भगवान द्वारपाल बन गए। अब भैया भगवान तो द्वार पर खड़े हो गए, पैरा देने लगे। अब इधर लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि भगवान कहां गए, पता लगा नारद जी के द्वारा वो तो द्वारपाल बन के खड़े हैं, अब यहाँ आएंगे नहीं, वही वहीं रहेंगे द्वारपाल बन के, वो तो भक्त के अधीन है, बस भक्तों ने अधीन कर लिया उनको। अच्छा ये बात है क्या। अब लक्ष्मी पहुंच गई भाई राजा बलि के द्वार, और लक्ष्मी ने कहा सुनो मैं तुम्हारी राखी बांधती हूं। तो लक्ष्मी ने राजा बलि की राखी बांधी, और राखी बांध कर कहा ए भैया, राखी बांधी तो बलि ने कहा ए बहन क्या मांगती है बता। राखी के दिन भाई जो मांग, बहन जो मांगती भाई देता है, बोल बहना क्या चाहती है। कि कुछ नहीं चाहती, जो द्वारपाल बनकर खड़े नहीं आए, जो बाहर खड़े हैं द्वारपाल बन के, इनको दे दो, ये मेरे पति है। अच्छा तो ये बहन भाई का एक पवित्र रिश्ता है, विलक्षण रिश्ता है, बड़ा पावन रिश्ता है। हाँ ये अद्भुत, ये अद्भुत कथा है भाई, अद्भुत कथा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनु श्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुंचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।